सो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पे। चलिए बात करते हैं कुछ मल्टीपल अपडेट्स के बारे में, जिसमें शामिल है मूवी किंग, सिकंदर, बित्यान, जय हनुमान, पुष्पा 2। सबसे पहले बात करते हैं किंग मूवी के बारे में। किंग मूवी में शाहरुख खान का कैरेक्टर कैसा होने वाला है, उसके ऊपर एक्चुअली अपडेट आया है। शूटिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है, उसके ऊपर अपडेट आया है। शाहरुख खान का कैरेक्टर आप लोगों को पता है कि फिल्म में वो डॉन वाले किरदार में नजर आ रहे हैं। एक्चुअली वो डॉन ऐसा होगा जो कि बहुत सारे कंट्राट किलर को भेज करके नेता लोगों को, लीडर लोगों को मरवाना चाहेगा। मतलब बहुत ही खूंखार कैरेक्टर ये होने वाली है। ओके, जो ऐसे एक लीडर, चाहे वो किसी धर्म के लीडर जो होते हैं ना, है ना, किसी कम्युनिटी के जो लीडर होते हैं, जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं, एकदम से बड़े ओहदे पे होने वाले बड़े बड़े लोगों को जो लोग मरवाते हैं ना, जो लोग मरवाते हैं, जो लोग मारते नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किलर को जो लोग भेजते हैं, वो एकदम से सुपर पावर वाला जो इंसान होते हैं ना, वो वाला इंसान का कैरेक्टर जो है शाहरुख खान का यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, मतलब इतना खूंखार वाला कैरेक्टर शाहरुख खान इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं। आगे चल करके डेफिनेटली उनके कैरेक्टर में कोई चेंजेस होगा, वो कंप्लीटली तो विलन नहीं होंगे फिल्म में। कंप्लीटली विलन हो जाएंगे तो मतलब और क्या ही रहेगा फिल्म में, मेरे कहने का मतलब हीरो कौन होगा, समझ रहे हो ना, वन साइड हो जाएगा। मेरे कहने का हिसाब से ये मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि फिल्म वन साइड हो जाएगा, कि शाहरुख खान जैसे एक्टर फिल्म में मैन विलन है, एकदम कंप्लीटली विलन, कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं बाद में, ठीक है, एकदम से खूंखार कंप्लीटली विलन। तो हीरो में कौन है, हीरो में एक जबरदस्त होना चाहिए ना, क्योंकि विलन जितना भी कड़क क्यों ना हो, जितना भी खतरनाक खूंखार क्यों ना हो, आखिर में तो उसको मरना ही है। तो उसको मारने वाला आखिर में तो उसका पावर तो कम से कम दिखाया जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो शाहरुख खान का कैरेक्टर तो वैसा नहीं है कि कंप्लीटली वो विलन होंगे। किंग वर्ड जो है वो उनके नाम पे ही जस्टिफाई हो रही है। तो एक ऐसा खूंखार इंसान, ऐसा खूंखार कैरेक्टर जो कि बाद में चेंजेस आएगा उसके अंदर, मतलब वो नेता लोगों को, पॉलिटिशियन लोगों को, ऐसे लोगों को मरवा रहा है, तो उसके क्या सीन है, क्या क्या होने वाला है, क्या चीज होने वाला है, वो सारी चीजें हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। मजेदार तो होगा भाई, क्योंकि शाहरुख खान की एक्टिंग यहाँ पे फाडू लेवल का होगा। मतलब आप याद करो उनकी विलन वाला कैरेक्टर फिल्में, पुरानी फिल्में, बाजीगर, अंजाम, डर मूवी, ऐसे कई सारी फिल्मों में वो विलन टाइप का जो प्रेजेंट करे हैं अपने आप को, जब विलन बनकर के आते हैं तो क्या ही तहलका मचाते हैं। तो किंग मूवी में वो सारा चीज होगा, आखिर में पता चलेगा कि वो ही है फिल्म के असली हीरो। मतलब वो सारा चीज क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजें बाद में रिवील होगा, तो मजा आएगा। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन को देखने को मिलेगा, वो मुंजिया वाले एक्टर को देखने को मिलेगा इसमें, और सुहाना खान इस फिल्म में होंगी, ठीक है। और इस फिल्म का मतलब शूटिंग वगैरह जो है 2024 इसी साल के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा बोला जा रहा है, दिसंबर तक, या फिर 2025 जनवरी फरवरी तक स्टार्ट हो जाएगा। 2026 ईद में जाकर के किंग मूवी जो है रिलीज हो रही है। अभी हम बात करते हैं सिकंदर मूवी के बारे में। सिकंदर मूवी के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम सलमान खान सर की ट्रबल के बारे में बात करेंगे कि उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। बिसोई के बारे में आप लोग तो जानते हो भाई। ओके, तो अभी क्या माहौल है और सलमान खान क्या, मतलब उनके लाइफ में क्या चल रहा है अभी आप लोगों को पता है। तो कई सारे लोग कह भी रहे थे कि मतलब सिकंदर मूवी का शूटिंग अभी बंद हो गया है, शूटिंग नहीं चल रहा है, क्योंकि सलमान खान अभी घर से नहीं निकल रहे हैं। ओके, लेकिन अभी हमारे पास अपडेट देखने को मिला है कि हैवी सिक्योरिटी के साथ शूटिंग चलेगी, एकदम हैवी सिक्योरिटी के साथ, जहाँ पे पब्लिक बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, और बहुत ही हैवी सिक्योरिटी में होगा, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा, कुछ इस तरह का माहौल हो गया है। यार मैं तो यहाँ पे सोचता हूँ कि इन सारे डिस्टर्बेंस में से सिकंदर मूवी कहीं लेट ना हो जाए। क्योंकि शूटिंग में डिले हो रहा है ना, फिल्म का लीड एक्टर अगर शूटिंग नहीं कर पाएगा तो फिल्म कैसे बनेगा फिर। ओके, तो एक आशा की किरण दिख रही है कि बहुत ही हैवी सिक्योरिटी में, एकदम हैवी सिक्योरिटी में फिल्म को शूटिंग, मतलब फिल्म की शूटिंग जो है कंटिन्यू किया जाएगा और फिल्म को कंप्लीट किया जाएगा। देखते हैं, इसके ऊपर जब कोई अपडेट आता है तो हम फिर बात करेंगे। ओके, पुष्पा 2 मूवी को लेकर के अपडेट देखने को मिला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि और 50 दिन बाकी रहेगा, आज एकदम से तड़कता भड़कता वाला पोस्टर दिखाए हैं, क्या है स्वैग है भाई अल्लू अर्जुन का। ओके, तो पुष्पा 2 मूवी को लेकर के एक बहुत ही कड़क अपडेट आया है कि इसमें एक जबरदस्त कैरेक्टर का एंट्री होने वाली है, और वो कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक्टर होंगे एनिमल में बॉबी देओल के जो भाई होते हैं ना,
उनकी दो इनकी जो ट्रांसलेटर बॉबी देओल की जो इशारे वाली जो लैंग्वेज जो है वो जो समझते हैं, क्या ही एक्टर है भाई। उनका नाम क्या है मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है, सौरभ सचदेवा। क्या कैरेक्टर है उनका, मतलब क्या ही एक्टिंग रहता है उनका। ऐसा मतलब ऐसी खतरनाक टॉक्सिक टाइप का रोल भी वो जबरदस्त करते हैं, तो पुष्पा टू में वैसा वाला किरदार तो होगा ही होगा उनका। ओके, तो वो इस फिल्म में उतर रहे हैं पुष्पा टू में, और मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में वो देखने को मिलेंगे हमें, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो कंप्लीट हो चुका है और उनके बारे में अपडेट अभी आ रहा है। तो सेकेंड हाफ के ऊपर जो काम हो रहा है वहां पे हमें इनको देखने को मिल रहा है। शायद ये पार्ट 3 में ज्यादातर हमें देखने को मिल सकते हैं, मे बी। ओके, देखते हैं। पर इनका नाम सुन करके बड़ा ही कमाल का लगा कि बड़ा ही कड़क एक्टर को पुष्पा 2 मूवी में लिया जा रहा है। अभी हम बात करते हैं जय हनुमान मूवी के बारे में। जय हनुमान को लेकर के बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है जो कि आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। जय हनुमान के लीड कैरेक्टर में, ओके, जय हनुमान मूवी के लीड कैरेक्टर में, लीड एक्टर के हिसाब से ऋषभ शेट्टी आ रहे हैं, हमारे कांतारा वाले। ओके भाई, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फिल्म मतलब बहुत कमाल का लगेगा, और वो कैरेक्टर को ना ऋषभ शेट्टी इतने मस्त तरीके से निभाएंगे, मैं आपको क्या बताऊँ, हम एकदम से कनेक्ट हो जाएंगे इसमें, देख लेना। क्योंकि ऐसी फिल्मों में भाई कांतारा मूवी में वो कर चुके हैं यार, तो इसको फिर कैसे प्ले करेंगे जरा सोचो। और उनकी मतलब उनको देख करके मतलब लग ही रहा है कि इस कैरेक्टर में एकदम फिट बैठेंगे वो, भगवान बजरंग जी बजरंग बली जी के कैरेक्टर में। ठीक है, तो लीड कैरेक्टर के हिसाब से, लीड एक्टर के हिसाब से ऋषभ शेट्टी जय हनुमान मूवी में आ रहे हैं, और ये मैक्सिमम परसेंट तक चांसेस है कि वही आएंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बित्यान मूवी के बारे में। भाई बित्यान मूवी का प्रीक्वल आएगा, प्रीक्वल। ओके, बित्यान मूवी आप देखे हो, बहुत ही कमाल की मूवी है, आप जाकर के देखो, बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें रजनीकांत सर का जो कैरेक्टर है वो इतना एनकाउंटर क्यों कर रहा है, क्यों गुंडों को मतलब बिना छानबीन करे मतलब मार रहा है, 2 दिन के अंदर छानबीन करके मार देता है। तो वो कैरेक्टर इतना वायलेंट क्यों है एक्चुअली, इतना वायलेंट क्यों हुआ एक्चुअली, वो चीज को लेकर के फिल्म बनेगा। ओके, डेफिनेटली फैमिली का या फिर कोई देश का ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रूटेलिटी उनकी आंखों के सामने देखने को मिला होगा, इसी वजह से ऐसा हुए हैं वो। ओके, तो वो चीज हमें देखने को मिलेगा बित्यान का प्रीक्वल करके, बित्यान मूवी की मतलब नेक्स्ट मूवी आएगा उसका। ठीक है, बित्यान द हंटर। ओके, तो प्रीक्वल आने वाली है इसका, मजा आएगा यार। मैं तो बित्यान देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत काफी ज्यादा एंजॉय किया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं भूलभुलैया 3 मूवी के बारे में। भूलभुलैया 3 मूवी को लेकर के बोला जा रहा है कि ये एक्चुअली भूलभुलैया के साथ कनेक्ट होने वाली है। ठीक है, भूल भुलैया मूवी के साथ कनेक्ट होने वाली है, ये सेपरेटली अलग कहानी के साथ नहीं जाएगा, बल्कि भूल भुलैया 1 भूल भुलैया 2 के साथ जुड़ने वाला है। बोला जा रहा है कि 30% तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूल भुलैया 2 के साथ जुड़ेगा, और 70% मतलब मैक्सिमम परसेंट जो है भूल भुलैया 1 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ अगर ऐसा है, अगर ऐसा है भूल भुलैया 2 के साथ जुड़ रहा है, स्पेशली स्पेशली मैं इसकी बात करूंगा, भूल भुलैया 2 के साथ एक्चुअली जुड़ रहा है अगर ये, तो फिर राजपाल यादव को कैसे फिट करेंगे, क्योंकि इनका कैरेक्टर तो अलग हो गया था उसमें ना। हाँ, राजपाल यादव को कैसे कनेक्ट करेंगे फिर मतलब कियारा आडवाणी कहाँ जाएगी, वो परिवार कहाँ जाएगा, वहां पे भी तो कार्तिक आर्यन गया था, कियारा आडवाणी को शादी कर रहा था, तो फिर अभी तृप्ति डिमरी क्या है। तो अगर ये जुड़ता है, अगर ये लोग कोई यूनिवर्स टाइप का बनाना चाहते हैं, कुछ अलग लेकर के जाना चाहते हैं, तो भूल भुलैया 1 के साथ ये जुड़ सकता है, भूल भुलैया 1 के साथ ये जुड़ सकता है, जो कि वहां पे राजपाल यादव का कैरेक्टर वही सेम है, विद्या बालन को किसी भी तरह से वहां पे प्रेजेंट कर देंगे। और अगर भूल भुलैया 1 के साथ जुड़ता है ये, तो अक्षय कुमार की कैमियो होना तो बनता है भाई, अक्षय कुमार का कैमियो हो ही जाएगा, जहाँ पे कार्तिक आर्यन के साथ कुछ कनेक्शन होगा, वहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो कि अक्षय कुमार को बुलाना पड़ेगा। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि असली मंजुलिका शायद माधुरी मैम हो सकते हैं, और ये जो मंजुलिका अपने आप को बता रही है एक्चुअली वो दीपिका पादुकोण ही है, जो कि भूल भुलैया 1 में ठीक हो गई थी, लेकिन अभी फिलहाल ठीक नहीं है वो, फिर से उसको वो दोहरे आने लगे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, देखते हैं क्या हो रहा है, वैसे पता चलेगा।
मतलब सीनियर रूबाबा टाइप का कैरेक्टर जो है अक्षय कुमार का हो जाएगा, और उनका जूनियर उनका स्टूडेंट के हिसाब से कार्तिक आर्यन को लिया जाएगा, और दोनों गुरु चले मिल करके उन दोनों के साथ लड़ाई करेंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं जब फिल्म आएगा तब पता चलेगा ये वाकई में भूलभुलैया वन के साथ कुछ कनेक्शन रखता है या फिर अपने हिसाब से नई कहानी के साथ भूलभुलैया थ्री को आगे लेकर के जाते हैं, देखते हैं। मुझे तो लग ही रहा है कि भूलभुलैया वन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन ये लोग रखेंगे, मुझे राजपाल यादव को देख करके ऐसा फील हो रहा है, और विद्या बालन को फिर से उतार करके लाए हैं और ऊपर से माधुरी मैम को भी लेकर के आए हैं, तो दोनों को लाने की क्या जरूरत थी। तो वो चीज को देख करके भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा तो लग ही रहा है कि ये भूलभुलैया वन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रखेगा बोल करके। खैर पता चल ही जाएगा नवंबर 1 को। आप लोग कितना एक्साइटेड हो भूलभुलैया 3 के लिए जरूर कमेंट करना। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।